इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हैं और आज जैसा कि आपको मालूम है बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। बड़ी सी तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ प्रधानमंत्री आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और सीधे प्रधानमंत्री यहाँ से जाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 9:30 बजे बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। वहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, राजनाथ सिंह की मौजूदगी, अमित शाह की मौजूदगी रहेगी, जहां प्रधानमंत्री ये संकल्प पत्र जारी करेंगे बीजेपी का। लेकिन उससे पहले अभी संसद भवन पहुंचे हैं जहां उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और ओम बिरला नजर आ रहे हैं, जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री वहां उनसे बातचीत करते हुए, और ये विशाल मूर्ति वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की लगी है और साथ ही साथ एक बड़ी सी तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर की, जिस पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। आज जयंती है अम्बेडकर जयंती और आप देखिए कि ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे, संसद भवन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ वहाँ नजर आ रहे हैं, ओम बिरला नजर आ रहे हैं और यहाँ से प्रधानमंत्री अब सीधे कुछ देर में निकलेंगे जहाँ बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी बाबा साहब अम्बेडकर को, जिनकी की आज जयंती है, और अब से कुछ देर बाद जैसा हम बता रहे हैं आपको कि प्रधानमंत्री रवाना होंगे, जहां 9:30 बजे बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति भी नजर आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति ओम बिरला और इन सब की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी बाबा साहब अम्बेडकर को, जिनकी की आज जयंती है। संविधान के निर्माता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको सीधे संसद भवन की और तमाम जो अलग दलों के नेता हैं वो भी प्रधानमंत्री का वहां पर एक तरह से उन्हें नमन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ये आप देखिए यहाँ फूल अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति नजर आ रही हैं तस्वीरों में। संसद भवन की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, माल्यार्पण करेंगे, माला पहनाकर, ये आप देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को, उनकी तस्वीर के आगे ये माला चढ़ाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो संसद भवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं संकल्प पत्र जहां जारी करेगी बीजेपी, प्रधानमंत्री जारी करेंगे और ज्ञान पर इस बार फोकस है, गरीब युवा अन्नदाता यानी किसान और महिलाएं, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दाई तस्वीर आप देखिए निर्मला सीतारमन पहुंची है और बाई तस्वीर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नजर आ रही है प्रधानमंत्री की वहां मौजूदगी। आप देखिए प्रधानमंत्री पुष्प अर्पित करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को, अपार श्रद्धा प्रधानमंत्री की उनमें, कई बार जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर का और सुबह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री ने और वहां पर सुबह भजन का भी चैंटिंग, वहां जो बौद्ध हैं तमाम पहुंचे हैं, उनको प्रधानमंत्री नमन कर रहे हैं और एक तरह की एक भजन संध्या भी वहां पर आयोजित की जाती है और प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं, अब सीधे यहां से रवाना होंगे बीजेपी हेडक्वार्टर्स। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नजर आ रहे हैं, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट और ये आप देखिए कि तस्वीर खींचती हुई जहां बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनकी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और दूसरी तस्वीर आप देखिए होम मिनिस्टर अमित शाह भी पहुंचे हैं और कुछ ही देर में संकल्प पत्र रिलीज करेगी बीजेपी, प्रधानमंत्री का इंतजार होगा। होम मिनिस्टर अमित शाह, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में बीजेपी का संकल्प पत्र रिलीज किया जाएगा और अवसर भी है बाबा साहब अम्बेडकर की, जो संविधान निर्माता है उनकी जयंती है। उसके अलावा नवरात्र, प्रधानमंत्री की बहुत श्रद्धा है देवियों में, व्रत भी रखते हैं प्रधानमंत्री और कुछ ही देर में यानी 9:30 बजे का वक्त है जब ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा बीजेपी का। लेकिन पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर
प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। बी आर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री, और खास तौर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर जो बौद्ध धर्म के गुरु हैं, धर्म गुरु, वो वहां पर चैंटिंग करेंगे। और ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, ये भी आज बहुत इंपॉर्टेंट